क्रिकेट मैच में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है? अंपायर, क्योंकि अंपायर का डिसीजन ही एक मैच को बदल सकता है। रॉन्ग डिसीजन हो तो गया, लेकिन रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद अंपायर के साथ क्या किया जाता है? अंपायर को क्या फाइन किया जाता है या उसके खिलाफ कुछ जांच होता है? सब कुछ बताऊंगा मैं दोस्तों, उसके लिए आपको जरूर रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। एक क्रिकेट फील्ड में सबसे ज्यादा समय जिसे गुजारना होता है फील्ड में, वो होते हैं अंपायर। टेस्ट मैच में 450 ओवर तक उन्हें मैदान में टिका रहना होता है, वनडे में भी 100 ओवर और टी20 में पूरे 40 ओवर, और साथ साथ ही उनको देना होता है एकदम राइट डिसीजन। कॉट बिहाइंड हो तो छोटे से छोटे आवाज भी उनको सुन लेना होता है, और जहां पर हजार के तादाद में दर्शक चिल्लाते रहते हैं वहां पर वो छोटे आवाज भी सुनना बहुत हार्ड है। उसके साथ साथ LBW का भी डिसीजन लेना भी बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बहुत देर तक वहां पर रहना होता है उसे। तो कभी कभार इसलिए होता है कि डिसीजन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हर एक डिसीजन के लिए तो थर्ड अंपायर के पास यानी टीवी अंपायर के पास तो अंपायर नहीं जा सकते हैं। जितना भी टेक्नोलॉजी आए, अंपायर के डिसीजन तो गलत हो ही सकता है, और बाद में हमें हॉक आई या फिर हॉटस्पॉट से ओरिजिनली क्या हुआ वो पता चलता है। तो हम लोग सभी दोषी मानते हैं अंपायर्स को, साथ साथ ये बात मैच रेफरी भी देखते हैं। तो मैच के बाद क्या होता है अगर गलत डिसीजन दिया जाए? सबसे पहले मैच रेफरी का एक रिपोर्ट जाता है ICC के पास कि आज ये अंपायर का डिसीजन ये रहा या वो रहा। इसके साथ साथ मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के ही कप्तान द्वारा एक फीडबैक फॉर्म फिलअप किया जाता है। वहाँ पर अंपायरिंग, मैच रेफरिंग, स्टेडियम, क्रिकेट बोर्ड सभी का ही फीडबैक वहाँ पर देना होता है। और वहाँ पर अगर अंपायर के बारे में कुछ लिखा जाता है क्रिकेट कप्तान द्वारा, जो कि लिखा गया था 2008 में सौरव गांगुली द्वारा स्टीव बकनर के खिलाफ, और उसके बाद स्टीव बकनर और भी भड़क गए थे और इंडिया के खिलाफ बहुत खराब डिसीजन लेते हुए देखे थे स्टीव बकनर को। अब ये फीडबैक फॉर्म या फिर रिव्यू फॉर्म जो भी कहे, उससे क्या होता है, फीडबैक फॉर्म ICC के पास डायरेक्टली जाता है और वे उन्हें गौर से रिव्यू करता है। एक दो मैच में अगर गलत डिसीजन लिया जाए तो उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन अगर बहुत बार ये रिपीटेटिव होता है तो अंपायर का एक पॉइंट सिस्टम रहता है, तो पॉइंट सिस्टम में डिक्रीज किया जाता है। एक बार भारतीय अंपायर के साथ ऐसा हुआ था, तो उन्हें इंटरनेशनल मैच से डिमोट करके फर्स्ट क्लास मैचेस में अंपायर करने को कहा गया था। हालांकि 2 साल बाद फिर से वो इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करते हुए देखा गया था। और जहां तक फाइन की बात है, किसी भी अंपायर को कोई फाइन नहीं किया जाता है। क्रिकेट के रूल के दौरान MCC लॉ 29 में लिखा गया है, अंपायरिंग डिसीजन अगर रिपीटेटिव गलत हुआ तो ICC उन्हें शोकॉज भी कर सकते हैं, और ये डोमेस्टिक क्रिकेट बोर्ड भी शोकॉज कर सकते हैं, लेकिन ICC से परमिशन लेके। तो दोस्तों क्रिकेट स्पोर्ट्स के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों मुझे दोस्तों आपको मीठे मीठे कमेंट का।